सो टू बी ऑनेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा काम है ही नहीं. यू जस्ट ओपन इट एंड दिस इज़ द नेटिंग. फ़िलहाल मैं इसको यहाँ रखता हूँ और दिस हैज़ नथिंग टू बी ऑनेस्ट. इसमें कुछ ऐसा कुछ ओवरली कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है. दिस इज़ बेसिकली इट. तो छः हुक्स होते हैं इसमें और बीच में ये स्ट्रेचेबल मैश होता है. दैट्स इट. तो ये मैं इसके अंदर लगा दूंगा इस तरीके से सो दैट कि जब आप इसमें कुछ भी रखना चाहोगे तो इसके नीचे आ जाएगा सामान. राइट. नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो लेट्स जस्ट ओपन द रियर सीट. इसको हम यहीं लगा देते हैं. अनदर थिंग इज कि मैनी पीपल व्हाट दे डू इज कि वो इस तरीके से माउंट करते हैं कि ये बाहर से ही निकल जाए. हुक्स जो हैं बाहर से ही निकल जाएं. बट इफ़ यू आर इन पब्लिक और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लेट्स से पार्किंग में खड़ी करके जा रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कुछ है तो देन व्हाट विल यू डू कि फाइंड पॉइंट्स इनसाइड दिस जो कि जहाँ पे कि ये लॉक हो सके. राइट. सो एक्चुअली ये आएगा इस तरीके से. सो आई हैव टू ऑप्शंस. वन कि मैं इसको इसमें ही लगा दूँ सो दैट दिस विल बिकम अ रिमूवेबल थिंग. बट सिंस सीट बहुत छोटी है मेरी और ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो मुझे कुछ ऐसा फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये अंदर लग जाए. सो आई हैव टू ऑप्शंस. वन थिंग दैट आई कैन डू इज ये जो है इनको मैं आपस में भी कर सकता हूँ बट फॉर दैट आई नीड टू लाइक रियली पुश देम लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड देन इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइक हुक से हुक में लगाने वाली बात. सो लाइक दिस. राइट. बट यू हैव टू ट्राई कि ना ये लॉक मैकेनिज्म के बीच में ना आए. सो इट विल बी लाइक दिस. सो दिस सीम्स परफेक्ट राइट नाउ. नाउ कम्स फॉर द सेकेंड थिंग. नाउ व्हाट आई विल डू इज कि यहाँ पे जो बीच का जो स्पेस है इसमें जो फर्स्ट एड किट आती है आई विल इंस्टॉल इट हियर. क्योंकि मैं टूल किट अपनी बाहर रखता हूँ तो मैं इसको यहाँ इंस्टॉल कर सकता हूँ. तो आई गेट दिस स्पेस एज वेल. अगेन वही चीज़ करनी है. इसको टाइटली लाइक दिस. इसको भी टाइटली लाइक दिस एंड देन इट्स जस्ट थ्रेडिंग इट. वेरी वेरी सिंपल. सो देन आई हैव एन ऑप्शन. आप इसको इसमें लॉक कर सकते हो. प्रॉब्लम सॉल्व्ड. राइट. लाइक सो. नाउ वी जस्ट हैव टू डू दिस. इट्स लॉक्ड. Installation it was done in like 5 minutes I think. Yay. Okay so now let's see ki isme saman kaise aa raha hai. I don't have anything right now except my DSLR aur meri ye bottle. So if I want I can easily put this here. And also, this is not going anywhere. Grip बहुत strong है. अच्छा by the way इसकी grip कुछ time बाद obviously थोड़ी ढीली हो जाएगी but that is also good. क्योंकि देखो यहाँ से कोई सामान नहीं निकलने वाला. यहाँ पर net है. सामान निकल सकता है तो यहाँ से निकल सकता है and that will be covered by your back. तो obviously कुछ नहीं होने वाला. और इसको अगर आप ढंग से नहीं अटकाओगे तो चीज़ें सीधे बीच में निकल सकती हैं. और DSLR कोई जगह नहीं है यहाँ रखने की. ऑब्वियसली ये मैं बस एक एग्जांपल के दिखा रहा हूँ जो सामान मुझे सामने दिखा मैंने रख दिया. बट लुक एट इट. वे टू प्रैक्टिकल. ओके सो दिस वाज द वीडियो. गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई है क्योंकि बाहर खड़ी आती तो धूल वगैरह में होता ही है. बनेली और उसमें डिफरेंस यही है कि बनेली को मुझे अंदर पार्क करना पड़ता है. दिस डज नॉट हैव दैट प्रॉब्लम. ओ बाय द वे मैंने एक ये की चेन भी लिया था विच इज़ पॉइंटलेस. दे चार्ज मी 30 rupees. कोई डिस्काउंट नहीं कुछ नहीं. दे चार्ज मी 30 rupees एंड दिस इज़ इन वाइट. और ये एरिया एज यू कैन सी थोड़ा डस्ट वगैरह इसमें होगा ही. हाथ वगैरह टच होंगे तो ये बहुत जल्दी गंदा होने वाला है. बट स्टिल 30 rupees कुछ बुरा तो है नहीं. बट कंसिडरिंग कि ये क्या चीज़ है इसका प्राइस 20 rupees से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था.
वो भी मैं प्रॉफिट के बाद बोल रहा हूँ. एनीवे, सो या दिस वाज डन. कंसिडरिंग दिस, देखो ये थोड़े डाउन लग रहे हैं तो वो ज़्यादा मतलब ब्राइट हैं, बट या नाउ इट लुक्स वेरी नाइस और ये बड़े क्लीन सा एक लुक हो गया है इसका. सो दैट्स द थिंग. तो अभी तक तो यही मॉड्स हुई हैं अभी फ़िलहाल सो फार. ग्रिप्स अब बहुत अच्छी हो गई हैं क्योंकि ग्रिप्स अब थोड़ी मतलब देर इज़ समथिंग टू होल्ड ऑन टू, पहले बहुत ही पतली थी. सो या दैट्स ऑल्सो वन थिंग. सो दिस इज़ हाउ द बाइक लुक्स राइट नाउ. एनी वे, सो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स. आई थिंक इट लुक्स रियली नाइस. रिगार्डिंग यूजबिलिटी ऑफ दिस बंजी कॉर्ड, और अभी अभी मैंने यूज़ भी कर लिया है इसको. इट वॉज सो प्रैक्टिकल. अब अगर मैं बाइक में वैसे रख के लाता नॉर्मली तो इसको डालने की कोई जगह नहीं होती, बट दिस इज़ फकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. सी प्रैक्टिकल इफेक्ट, प्रैक्टिकल यूज़.